हेलो गाइस, शाम की सभी को गुड इवनिंग भाई। और हमारा पहला ब्लॉग जो था पीताम्बरा माता मंदिर का, वो ख़त्म हो गया है। अब सेकंड ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो कि उज्जैन का है। तो अभी तो बहरहाल हमारी बस वहाँ पे खड़ी है पीछे एकदम वहाँ पे, और इधर जो है आप पीछे देख सकते हो, वो जो है हमारे एक होटल यहाँ बुक किया गया हुआ है सबके खाने पीने के लिए और भी चीज़ों के लिए। बाकी पीछे की सीन आप देख रहे हो कितने सारे पहाड़ हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत से पहाड़ होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा व्लॉग। तो भाई अभी हम खड़े हैं शिप्रा नदी के तट पर। आप देखिए शिप्रा नदी कितनी बड़ी है, और ये रात का टाइम है क्योंकि यहाँ पर सब स्नान करने आते हैं। और आने ही वाले में कुछ समय में हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए हैं अभी यहाँ पर। हमारी बस वैसे यहाँ पे 1 बजे आ गई थी, बट हमें होटल लेने में थोड़ा सा दिक्कत हुई, हम धर्मशाला में रुके हुए हैं, बगल में धर्मशाला है। तो अब यहाँ स्नान करते हैं, चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो भाई सभी को गुड मॉर्निंग। और फाइनली गाइज हम जो है अपनी इस बस से जो है उज्जैन आ चुके हैं, महाकालेश्वर के धाम आ चुके हैं। सो अभी हम जो है धर्म आश्रम में ठहरे हुए हैं, हालांकि हम नहा चुके हैं और सब लोग नहा रहे हैं पीछे, आप देख सकते हो पूरा बना है पीछे। सो अभी चलते हैं इसके बाद दर्शन करने के लिए, ठीक है। और बताइएगा वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो धर्मशाला में ही भाई ये मंदिर बना हुआ है, और ये हमारा फ्रंट है धर्मशाला का, ठीक है। तो आप यहाँ पर आकर के संपर्क कर सकते हैं इनसे जब भी आप कभी यहाँ आएँ। अभी भस्म आरती का समय होने वाला है, हमने प्रसाद ले लिया है, हम जा रहे हैं भस्म आरती के लिए। और बहुत लंबी लाइन लगी, आप पीछे देख सकते हैं हमारे, अगर दिख रहा हो आपको, वरना आपको जो है अपने फ्रंट कैमरे दिखाते हैं कैसे है। तो चलिए दिखाते हैं भाई। भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है, शायद थोड़ा हमने लेट भी कर दिया है आने में, क्योंकि हमारा बस वाला थोड़ा सा उस टाइप का है, आप समझ सकते हो। लेकिन चलिए अब हम पूरी जोर कर लगाएंगे कि हमें भस्म आरती मिल जाए भगवान की, पूरी कोशिश करेंगे। तो लाइन लग गई, देखिए कितनी लाइन लगी हुई है, सब खड़े हैं दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के। और हमारी सॉरी एंट्री हो गई है अब यहाँ पर मंदिर के अंदर, 4 बजने ही वाले हैं लगभग और आरती स्टार्ट होने वाली है। बट हुआ ऐसा कि हम बहुत लेट आए, पीछे हैं थोड़ा सा, तो दिखाने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट आपको कोई तरीके से दिखाया जाएगा। आपका काम बस इतना है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपको दिखाएँगे कैसे, कोई भी करके आपको दिखाया जाएगा। कहते हैं भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। तो भाई हमें भी देखिए, हमें भी लाइन में लग गया, हमें भी दर्शन होने के कदार पे आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर पूरा ये जो भी चलता है वहाँ पर वो लाइव दिखाया जाता है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं मंदिर के अंदर चलता है। अभी देखिए मूर्ति एकदम साफ है, इसका मतलब कि अभी कोई आरती स्टार्ट नहीं हुई है यहाँ पर। सो अब चलते हैं, हो सकता है हमें मिल जाए भगवान दर्शन करने को। और वरना हमने एक दोस्त से बात की है, वो अपना वीडियो लेकर गया है बनाने के लिए, वो वीडियो बना देगा हमें, वो हमें शेयर कर देगा। देखिए चल रहा है पूरा सीसीटीवी कैमरे में क्या चल रहा है इस समय मंदिर के गर्भगृह के अंदर। तो ये देखिए ये शंख द्वार है, यहाँ से मेन एंट्री होती है जाने के लिए, और हम जा रहे हैं अभी। और देखिए देखते रहिए, ये आप यहाँ पे आओगे तो ये देखिए हर जगह लगे हुए हैं ये कैमरा, कि आपको हर चीज़ दिखाया जा सके यहाँ पे। और हर जगह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। सो महाकाल के दर्शन करना हो तो ज़रूर यहाँ आइए, ज़रूर 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 आइए यहाँ पर। और ये हमारा फ्रंट लोकेशन है जहाँ पर, देखिए यहाँ चिकित्सालय बनाया गया हुआ है। और ये इधर देखिए, यहाँ से आप एंट्री लेते हो अंदर जाने के लिए। भीड़ देखिए भाई कितनी भी। तो भाई ये आखिरी स्टेज, हम यहाँ से पहुँचेंगे डायरेक्टली महाकाल। इंतजार करने ख़त्म हो गई हैं, आ गया है हमारे सामने महाकाल का मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर आ गया है। और ये देखिए यहाँ पर 9 ग्रह बनाए गए हुए हैं, 9 ग्रहों का मंदिर बनाया गया है, यानी 9 शिवलिंग यहाँ पे अलग अलग प्रकार की हैं। ये रही वो 9 शिवलिंग, आप देख लीजिए, ये इनके दर्शन कर लीजिए आप। हम यहाँ रुके हुए हैं, देख लीजिए ये, और एक बार जितनी ज़ोर से हो सकता है सब कहिए, हर हर भोले, जय श्री महाकाल, बम बम भोले, ख़त्म करते अपना व्लॉग।